ये हमने कॉन्सेंट सपोज कर लिया है पिछले वीडियो में पूरा डिस्कशन किया था ठीक है तो बस आप ये ध्यान रखेंगे किसी भी की को मान मान लेना लेना बहुत सिंपल वर्ड्स में किसी भी कंसेंट्रेशन को स्टडी या कॉन्स्टेंट मानना यही स्टेटमेंट क्या स्टडी स्टेट अप्रोक्सिमेशन या कॉन्स्टेंट स्टेट अप्रोक्सिमेशन अब देखो इसी के नए नए फॉर्म

नेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ शॉर्ट लिविंग स्पेसिस विल बी जीरो और देखो यदि नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो आ रहा है दैट मीनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिविंग स्पेसिस विल बी इक्वल टू इट्स रेट ऑफ डिफॉर्मेशन तभी तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो आएगा जब रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के इक्वल हो जाता है तो उस स्पेसीज का नेट रेट क्या हो जाएगा जीरो तो वी हैव दीज फोर स्टेटमेंट दीज फोर ऑल्टरनेटिव टू एक्सप्रेस स्टडी स्टेट अप्रोक्सिमेशन तो जब भी किसी पर हम से अप्लाई करेंगे या तो हम उसका कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट मान लेंगे या उसका डिवाइडेडी जीरो मान लेंगे नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो मान लेंगे या सिंपली उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन उसके रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के इक्वल मान लेंगे हम सबसे ज्यादा इसमें इसी स्टेटमेंट को यूज करेंगे हम जब भी एस से अप्लाई करेंगे तो हम ये यूज करेंगे जिस पर एस एस अप्लाई होगा उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन उसके रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के इक्वल मान लेंगे ठीक है ये एस एस एम अब ये मानते हैं दिस अप्रोक्सीमेशन इज एक्चुअली अप्लाइड ओनली फॉर द रिवर्सिबल फास्ट स्टेप जहां भी कोई रिवर्सिबल फास्ट स्टेप होगा वहां पर इक्लिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई होगा मैं इस तरह जस्ट फॉर ए प्लस बी टू सी प्लस डी ठीक है इस तरह के इक्लिब्रियम रिएक्शन पर हम क्या अप्लाई करेंगे हम ई अप्लाई करेंगे तो दोनों में डिफरेंस रखना ई कहां पर अप्लाई होता है ई अप्लाई होता है जहां पर इक्लिब्रियम फास्ट स्टेप होगा और ऐसे से कहां पर अप्लाई होता है ऐसे से वहां पर अप्लाई होगा जहां पर शॉर्ट लिविंग स्पेसिस होगी और इसमें ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इक्लिब्रियम स्टेप होगा या नहीं होगा और यदि मान लो इक्लिब्रियम स्टेप भी है और

या कंसेंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो ई अप्लाई करना मिन्स सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है तो दोनों में डिफरेंस रखेंगे आप एस एस करना मिस इन चारों में से कोई सा भी एक स्टेटमेंट यूज करना है कुछ क्वेश्चन अप्लाई करते हैं क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर होगा से क्वेश्चन देखते हैं एस 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 ए देखो लास्ट टाइम ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था आप सब आपको दिया हुआ है और क्लियर लिखा हुआ है एज्यूमिंग स्टेडी स्टेट ठीक है ना या स्टेडी स्टेट कंसल्टेशन आपको फाइंड आउट करना है तो बहुत क्लियर दे दिया है कि एस एस ए किस पर अप्लाई करेंगे आप क्यू पर अप्लाई करेंगे और मैंने आपको बताया अभी था अनस्टेबल स्पेसिस पर ही एस एस अप्लाई होता है और अनस्टेबल स्पेसिस क्या होती है जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होती हैं अन स्टेबल स्पेसिस में इंटरमीडिएट्स रिएक्टेंट पर कभी एसएस अप्लाई नहीं करेंगे प्रोडक्ट पर कभी अप्लाई नहीं होगा और इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है किस पर अप्लाई करेंगे क्यू पर ठीक है तो यहां पर बस आपको ये ध्यान रखना है अच्छा देखो मैं इसको अलग पेज यस को स्मॉल स्मॉल कर लेते हैं या इसको मैं ओके नेक्स्ट स्लाइड से करता हूं ठीक है ना बस रिएक्शन ध्यान रखेंगे पी से टू क्यू और टू क्यू से आर ये रिएक्शन है रिएक्शन ये दिया हुआ है पी से टू क्यू और टू क्यू से आर और एक चीज नोटिस करना पहले स्टेप में आई ये दिया हुआ है ठीक है यहां पर आई ए लिखा हुआ है ये इंटेंसिटी है ये के वन और ये के टू इस तरह हमको दिया हुआ है देखो के वन के टू ठीक है और आइए क्या रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट लाइटॉर्व अब देखो हम यहां पर अप्लाई अप्लाई करेंगे ऑन क्यू बिकॉज क्यू का स्टेट कंसेंटेशन पूछा है तो आपको बताया था एस एस अप्लाई करना क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू इट्स रेट ऑफ डिफॉर्मेशन करेक्ट और ये सब आपको लिखना मैंने आपको सिखाया था रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कहां से लिखेंगे हम लॉफ काइनेटिक्स का पहला लक्ष्य उसमें सारी चीजें आपको सिखाई थी तो देखो क्यू का फॉर्मेशन पहले स्टेप में हुआ है और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये स्टेप बिकॉज आई यानी कि फोटोकेमिकल है तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के रेट में केवल के फोटोन की इंटेंसिटी ही आती है उसमें रिएक्टेंट नहीं आता है तो पहले स्टेप का रेट क्या लिखेंगे हम आई

ठीक तो आपने पहला काइनेटिक्स का वो जरूर देख लेना है ये और टू, तो टू भी आएगा, के और क्यू का तो सब कुछ सिंपल है बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस रिएक्शन में इंटेंसिटी ऑफ फोटोन आ गया फोटोकेमिकल स्टेप आ गया वहां बस केवल फोटोन की इंटेंसिटी आती है उसमें रिएक्टेंट नहीं आता है और देखो टू को थ्रू आउट कैंसिल आउट कर सकते हो आप तो यहां से क्या बचा आई ए इक्वल टू यहां से कॉमन ले लेंगे तो K1 plus K2 के वन प्लस के टू और क्यू स्क् कॉमन आ जाएगा करेक्ट है अब यहां से क्या क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम आई ए अपॉन के वन प्लस के टू बस दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देंगे आप एंड यू विल गेट द कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू आई ए अपॉन K1 upon K2 और ये ये सब रूट जाएगा। so this is the steady state concentration of Q। अब देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ऑप्शन है? ये पहला ही दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपल देख लो एक बार कॉम्पी कर लेंगे आप अब देखो क्या किया हमने केवल क्वेश्चन में हमने ऐसे अप्लाई किया Q पर क्योंकि Q का स्टेट कंसंट्रेशन हमको फाइंड आउट करना था करेक्ट तो रेट ऑफ फॉर्मेशन को रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कर दिया फर्स्ट स्टेप का रेट इक्वल टू है चलिए अगला क्वेश्चन अगला ये ये क्वेश्चन रिएक्शन दिया हुआ है और ये इसके मैकेनिज्म दिया हुआ था और ये ऑप्शन थे नेट में कभी क्वेश्चन पूछा हुआ था तो एक्चुअली हम सबसे पहले रेट लिखेंगे कहां से स्लो स्टेप से देखो मैंने आपको क्या बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमको मल्टीपल स्टेप दिए होते हैं जिसमें से कुछ स्लो होते हैं कुछ फास्ट होते हैं पर हम रेट कहां से लिखेंगे रेट हम लिखेंगे स्लो स्टेप से तो सबसे पहले रेट क्या हो जाएगा एक्टिव मास लगा देंगे इस वाले रिएक्शन पे करेक्ट है स्लो स्टेप पे तो यहां लिखते हैं आर इक्वल टू के टू और क्या ये एच आई और एच टू ओ टू करेक्ट दिस वन अब चलो ऐसे कर लिया है। तो ये रफ कर देते हैं ठीक है हाँ, ये स्लो स्टेप से रेट लिख दिया हमने अब देखो एसएसए एस किस पर अप्लाई होगा एक्चुअली एसएसए अप्लाई होगा अनस्टेबल स्पेसिस पर एंड माइंडेड अनस्टेबल स्पेसिस यहां पर एच आई होगा एच आई क्यों H2O2 क्यों नहीं बिकॉज एस टू टू तो रिएक्शन का क्या रिएक्टेंट है मेन रिएक्शन दिया हुआ है ना और आपको बताया था एस एस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर अप्लाई नहीं होता है तो एच आई पर अप्लाई करेंगे तो अब अप्लाई करेंगे हम और SSA अप्लाई करना मीन क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई हम इक्वल कर देंगे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ एच आई के और ये भी आपको लिखने बताए थे अब देखो एच आई का फॉर्मेशन पहले स्टेप में हुआ है तो हो जाएगा के वन एच प्लस आई माइनस फर्स्ट स्टेप से इक्वल्स बैकवर्ड स्टेप में एच हाँ आई का डिफॉर्मेशन के माइनस वन एच आई और सेकेंड स्टेप में एचआई हाँ का फिर से डिफॉर्मेशन है तो प्लस आएगा ये प्लस के टू एच आई और एच टू ओ टू करेक्ट अब एच आई कॉमन ले लेंगे राइट हैंड साइड में के माइनस वन प्लस के टू एच टू ओ टू और एच आई ठीक है अब ये सब डिवाइड में ले आएंगे तो हमको एच हाँ आई का कंसेंट्रेशन मिल जाएगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ एच हाँ आई हो जाएगा इस सब को डिवाइड में ले आओ के वन वो जो लिखा हुआ है एच प्लस आई माइनस डिवाइडेड बाई ये सब माइनस वन प्लस के टू एच टू टू ठीक है ये सब डिवाइड में आ जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर टू और फिर इस क्वेश्चन नंबर टू से एच आई का आंसर हम कहा अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में अप्लाई कर देंगे तो बस रिजल्ट हमारे पास फर्स्ट से क्या बनेगा आर इक्वल टू अब देखो के वन यहां पर के टू यहां पर के वन के टू एक एच प्लस भी आएगा माइनस एच टू ओ टू ऑलरेडी है पहले से इक्वेशन वन में ठीक है एच टू ओ टू और इसके अलावा डिवाइडेड बाई के माइनस वन प्लस के टू एच टू ओ टू बस ये फाइनल आंसर हो जाएगा तो आप देख लो मेन कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या करते हैं हम स्लो स्टेप से रेट लिखते हैं फिर उस रेट में जो भी अनस्टेबल टर्म आते हैं उसको हटाना होता है उसको हटाने के लिए हम एस एस यूज करते हैं और एस एस क्यों क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ था अप्लाई एस एस ए देखो नेक्स्ट पेज पे दिखा हुआ है क्लियर या उसी में था ऑलरेडी ये लिखा है ना द प्रेडिक्टेड रेट लॉ यूजिंग द स्टडी स्टेट अप्रोक्सिमेशन तो जल्दी से कॉपी करेंगे आप पहले एस एस अप्लाई किया और यहां से एच आई का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन नंबर टू आ गया और टू का आंसर फर्स्ट में अप्लाई किया तो हमको फाइनल आंसर मिल गया अब देख लेंगे ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो ये फर्स्ट वन है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा जाए। ठीक है चेक कर लेंगे एक बार के वन के टू एच आई एस टू टू के वन के टू एच आई एस टू टू और अपॉन में के माइनस वन प्लस के टू एस टू टू करेक्ट बिल्कुल सही क्या ओके अगले क्वेश्चन पर आते हैं देखो गेट में था ये भी क्वेश्चन कभी पहले तो इस तरह से हमको एक सेटअप दिया हुआ है और इस सेटअप के लिए हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी बताना है अब एक तो देखो पहला जो स्टेप है आपको पहले बताया हुआ है जब भी कहीं पर कोई स्टेप होगा तो वो हमेशा फास्ट होगा ठीक है ना एज ए रेफरेंस और ये स्टेप कंपेरे स्लो होगा और है तो कांस्टेंट कैपिटल के मान लेंगे और इसका रेट कांस्टेंट स्मॉल के मान लेंगे तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करेंगे स्लो स्टेप से तो पहले स्लो स्टेप रेट लिखेंगे आर इक्वल टू स्लो स्टेप का रेट क्या होगा रेट कॉन्स्टेंट स्मॉल के कंसेंट्रेशन जी और कंसेंट्रेशन एच ठीक है इक्वेशन अब एलिमिनेट किसका करना होगा देखो जी को एलिमिनेट नहीं कर सकते जी रिएक्शन का मेन रिएक्टेंट है उस पर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं कर सकते या ऐसे में देखो जी को तो ऑप्शन लाना है ना आंसर में लाना है जी को नहीं हटा सकते हम तो और अप्रोक्सीमेशन इक्विबरियम दिया हुआ है ना तो अप्रॉक्सिमेशन अप्लाई कर देते हैं किस पर इक्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं ऑन फास्ट इक्लेबरियम जो पहला स्टेप है और ये आपको लिखना बताया कैपिटल के का फॉर्मला अप्लाई करेंगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड तो यहां से एच स्क्वायर कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा कैपिटल के और कंसेंट्रेशन जी ठीक है इसको सही से लिखते हैं यहां से जो बनना है कंसेंट्रेशन एच स्क्वायर विल बी कैपिटल के कंसेंट्रेशन जी तो कैपिटल एच यहां से कितना जाएगा दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर देंगे तो के पावर वन बाय टू एंड जी पावर ऑल्सो वन बाय टू और ये एच की कंसेंट्रेशन हम कहा अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में यहां पर तो वन से रिजल्ट आएगा फिर ये स्मॉल के कैपिटल जी ऑलरेडी है कैपिटल के हाफ ये वाले अप्लाई कर रहे हो आप एंड जी पावर वन बाई टू ठीक है तो ये इसको कॉन्स्टेंट को एक साथ लिख लेंगे स्मॉल के कैपिटल के वन बाई टू और जी की पावर ऐड हो जाएगी और थ्री बाय टू तो सिंपली रहा रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन पावर जी होल पॉवर थ्री तो क्वेश्चन का आंसर ना हो जाएगा। तो आप जल्दी से वहां करेंगे और चेक करेंगे हमने सही अप्लाई किया हुआ तो हमने किया क्या जो सबसे पहला स्टेप हमारा इक्विलिब्रियम था उसको फास्ट मान लिया रेफरेंस है फास्ट होता है हमेशा बताया था आपको और कंपेरेटिवली सेकेंड स्टेप स्लो हो गया तो स्लो स्टेप्स रेट लिखा पहले फिर इक्लिबरियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया इक्लिबरियम स्टेप पर और वहां से H का वैल्यू आ गया उस H के वैल्यू को रेट में अप्लाई कर दिया तो हमको आंसर मिल गया ठीक है तो R इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन जी पावर थ्री वाइट ठीक है तो ये हमने एस एस ए कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए ठीक है, है तो आज के इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अप्रोक्सिमेशन और ऑफ ऑफ डिस्कस किया थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू